हेलो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सो अब अभी तक जो हमने किया है हमने कुछ के रिएजेंट्स किए हैं जिनमें हमारा पोटाशियम पर मैंगानीट डाइक्रोमेट uh, सोडियम नाइट्रोपोसाइड हमारे पास पोटाशियम फेरोसाइनाइड ये चार रिएजेंट थे आज हम जल्दी से अब हमारे पास केवल दो रिएजेंट बचे हैं इनको जल्दी से ख़त्म करते हैं तो इनमें हमारा जो फर्स्ट रिएजेंट है आज का दैट इज़ सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट जो आज का हमारा फर्स्ट रिएजेंट है सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड इसका जो जनरल फार्मूला है दैट इज इसमें कोबाल्ट हमारा प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड ठीक है यहाँ पे हमारा नाइट्राइट एनओ टू एज अ लिगेंड है ठीक है कोबाल्ट हमारे पास यहाँ पे प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो हमारा नाइट्राइट होता है दिस इज़ एन ओ टू नेगेटिव ठीक है इसके ऊपर माइनस वन चार्ज होगा सोडियम का तो आप सभी को पता ही है प्लस वन चार्ज होता है तो हम यहाँ से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें तो कोबाल्ट की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ठीक है तो इस कंपाउंड का जो आई यू पी एस सी नेम होगा दैट इज हेक्सा नाइट्रा नाइट्रेटो हेक्सा नाइट्रेटो कोबाल्टेट थ्री दैट इज़ एन एनाइनी कम्प्लेक्स बता रहा था मैं आपको अगर मैं पूरे कम्प्लेक्स का आई यू पी एस सी नेम बताऊँ तो जिसमें सोडियम हेक्सा नाइट्रिटो कोबाल्टेट थ्री ठीक है कोबाल्ट पे हमारे पास प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसकी प्रेपरेशन की कि हम किस तरह से बनाएंगे इस कम इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें कोबाल्ट का कोबाल्ट चाहिए होता है सो वी आर टेकिंग कोबाल्ट टू क्लोराइड ठीक है कोबाल्ट क्लोराइड लेंगे हम इसको हम रिएक्ट करवाएंगे आइदर विद नाइट्राइड या फिर हमारा नाइट्रेट, ठीक है तो हम ले रहे हैं यहाँ पे आपका सोडियम नाइट्राइड ठीक है कोबाल क्लोराइड को हम रिएक्ट करवाएंगे विद सोडियम नाइट्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एस टी के सिड ठीक है तो हमारे पास शुरू में होता क्या है इस रिएक्शन में कुबाल क्लोराइड जो है सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करके कोबाल्ट नाइट्राइड बना देगा कोबाल्ट प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्राइड बना देगा अलॉन्ग विद यहाँ से सिंपल एन निकल जाएगा ठीक है अब हमने क्या किया हुआ है हमने रिएक्शन की है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड ठीक है तो जो आपको सोडियम नाइट्राइट होता है ये एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद आपके पास क्या से नाइट्रस एसिड बन के आएगा ठीक है अलॉन्ग विद वी आर लेफ्ट विद सोडियम एसिडेट सी एच थ्री सी ओ एन ए ठीक है सोडियम एसिडेट आएगा हमारे पास और साथ में आ जाएगा आपका नाइट्रस एसिड तो ये भी आपके पास एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है ठीक है तो इसको हमने पढ़ा भी हुआ है पहले नाइट्रस एसिड जो होता है आपके पास ये हमारे पास नेशेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है ठीक है इन दिस रिएक्शन हमारे पास एक नेशेंट ऑक्सीजन निकलती है ये जो आपकी नेशेंट ऑक्सीजन है ठीक है इसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे ये जो आपका कोबाल्ट नाइट्राइड बना ठीक है प्लस टू में इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस नाइट्रस एसिड ठीक है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन टू दी कुबाल थ्री नाइट्राइट ठीक है यहाँ पे हमारे पास कोबाल्ट प्लस थ्री में आ गया ठीक है अलोंग विद वी आर गेटिंग वाटर ठीक है यहाँ से हमारा वाटर निकल जाएगा तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं आसानी से यू कैन ईजिल ईजिली बैलेंस आउट दिस रिएक्शन अब लास्ट में हमारे पास क्या होगा कि जो कुबाल नाइट्राइट बना हमारे पास अब हमें क्या चाहिए आपको कॉर्डिनेशन कम्प्लेक्स चाहिए सोडियम हेक्सा नाइट्रेटो कोबाल थ्री तो हम क्या करेंगे ये आपका कोबाल्ट थ्री नाइट्राइट बना इसको हम रिएक्ट करवा देंगे इसी रिएक्शन में सोडियम नाइट्राइट के साथ और ये रिएक्ट करवा के हमारे पास जो आपका एनाइनिक स्पीसीज बनेगी यहाँ पे अगर मैं थ्री नेगेटिव चार्ज लिखूं तो तीन बैलेंस करेंगे हमारे पास तीन सोडियम आए ठीक है सो दिस आवर फाइनल रिएक्शन इन विच वी आर गेटिंग सोडियम हैक्सा सोडियम हेक्सा नाइट्रिटो कोबाली ठीक है कोबाल्ट यहाँ पे हमारे पास प्लस थ्री ऑक्सीडिशन स्टेट में है ठीक है अच्छा अब हम बात करते हैं जल्दी से ज़्यादा नहीं है इस टॉपिक इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉपर्टीज़ को लेके हम डिस्कशन करते हैं हमारे पास ये जो आपका कम्प्लेक्स होता है दिस इज़ पेल येलो हल्के से येलो कलर का होता है ये पेल येलो कलर का होता है और वाटर में सॉल्यूबल होता है डिकम्पोज कर जाता है हमारे पास ऑक्सीजन निकलती है यहाँ से हमारे पास और अगर हम रिएक्शन की बात करें कि अग, आ, हमारे पास ये पोटासियम सॉल्ट के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है तो जिसकी फर्स्ट रिएक्शन हम करेंगे दैट विल बी रिएक्शन विद पोटाशियम सॉल्ट्स रिएक्शन विद पोटाशियम सॉल्ट्स ठीक है तो जब वो कॉम्प्लेक्स है दिस विल रिएक्ट विद हंड्रेड फोर बाई सिक्स दिस विल विलेक्ट पोटाशियम सॉल्ट मान लो वी आर टेकिंग पोटाशियम क्लोराइड या पोटाशियम सल्फेट जो भी आप लेना चाहो ठीक है uh, तो यहाँ से आपके पास ईजिली सिंपल है सोडियम क्लोराइड बन जाएगा अलॉन्ग विद वी आर लेफ्ट विद सोडियम रिप्लेस हो जाएगा पोटाशियम से वी आर गेटिंग पोटाशियम हैक्सानाइट्रेटो पोटाशियम हेक्सा नाइट्रेडो को थ्री ठीक है तो ये हमारे पास सिंपल रिएक्शन है इस रिएक्शन की आ, इस टेस्ट को हम यूज़ भी कर सकते हैं इन द डिटेक्शन ऑफ पोटाशियम आयन ये जो आपकी रिएक्शन है यहाँ से हमारे पास इस रिएक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ पोटाशियम आयन यहाँ पे हमारे पास इस कम्प्लेक्स के जो है वो येलो प्रेसिपिटेट बन के आते हैं ठीक है सो इसकी इसका जो यूज़ है हम इन द डिटेक्शन ऑफ पोटाशियम आयन कर सकते हैं ये जो आपकी रिएक्शन है अब हम नेक्स्ट बात करें रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट कि आपके पास अमोनियम आयन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा ये हमारे पास रिएक्शन विद अमोनियम आयन तो हमारे पास हम अमोनियम का सॉल्ट लेंगे सपोज वी आर टेकिंग अमोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है दैट इज़ हेक्सा नाइट्रेटो कोबाल थ्री इसके साथ रिएक्ट करेगा अगेन सिमिलर जैसे सोडियम रिप्लेस हुए थे ऊपर पोटाशियम के साथ वैसे यहाँ पे अमोनियम आयन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे एंड वी आर गेटिंग सच एंड क्लोराइड लिया तो उसकी क्लोराइड निकल जाएगा साथ में एन है ठीक है तो ये हमारे पास रिएक्शंस है कुछ सोडियम कोबाल्टी नाइट्रेट को लेके इसका जो यूज़ किया जाता है वो स्पेशली थ्रू इन द डिटेक्शन ऑफ यहाँ से हम अमोनियम आयन डिटेक्ट कर सकते हैं ठीक है इस रिएक्शन से हम अमोनियम आयन निकाल सकते हैं और जो हमने पोटाशियम के साथ रिएक्शन की वहाँ से हम पोटाशियम आयन जो है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं इन द लेबोरेटरीज अब लास्ट में हम स्ट्रक्चर्स की बात करें कि इस कंपाउंड का स्पेक्टर किस तरह से होगा तो अगेन जो एनाइन है हमारा इस कम्प्लेक्स में दैट इज एक्सा नाइट्रेटो कोबाल्टेड थ्री ठीक है छः लीगेंड लगे हुए हैं छः नाइट्राइड ग्रुप लगे हुए हैं दैट मीन्स कोबाल्ट हमारा प्लस थ्री ऑक्सीडेशन में सेंट्रल आइटम होगा इसके साथ हमारे पास छः नाइट्राइड लीगेंट लगे हुए हैं ठीक है ठीके? नाइट्राइड जो होता है आपके पास एक किस्म एक तरह का आपका स्ट्रोंग फील्ड लिगेंट ही है ठीक है तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी ऑक्टाहाड्रल जिसमें कोबाल्ट होगा हमारे पास और इसके साथ जो हमारे पास हैं वो नाइट छह जो है हमारे पास ग्रुप लगे होंगे नाइट्राइट आयन्स ठीक है आ, अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है यू हैव टू टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रो ग्रुप एंड नाइट्राइट आयन ठीक है एंड टू हम नाइट्रो भी बोलते हैं इसको नाइट्राइट भी बोलते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया कोबाल्ट बाल्ट नाइट्राइट नाइट्राइड नाइट्रे टू थ्री का इसमें हमारे पास ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसका किस तरह से होगा ठीक है स्ट्रक्चर तो ये जो मैंने बनाया ये ठीक है बिल्कुल लेकिन बॉन्डिंग आपने बतानी है बॉन्डिंग किस तरह से होगी इसके अंदर और हमने अभी भी पीछे रिसेंटली एक लेक्चर में हमने यूज़ किया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि ज्योमेट्री जो थी मैंने वो निकाली थी और हाइब्रिडाइजेशन निकाली थी तो अगर आप ट्राई कर सकते हैं कि ये जो मेरा कंप्लेक्स है इसके अंदर हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी सेंट्रल आइटम कोबाल्ट की जैसे कि मैंने आपको बताया नाइट्राइड जो है एज़ आ स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट ही आपका काम करेगा यहाँ पे तो आप ट्राई कर सकते हैं अच्छा अब नेक्स्ट हम जो हमारा नेक्स्ट रिएजेंट है अब उसको करते हैं जो हमारा लास्ट रिएजेंट है दैट इज़ हेक्सामाइन कोबाल्ट थ्री क्लोराइड अब जो हमारा लास्ट रीजन बचा है इस चैप्टर का वो है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट थ्री क्लोराइड तो आपके पास सॉल्ट है ये क्लोराइड्स का अगर मैं इसका जनरल फार्मूला लिखूं तो अमाइन आपके पास होता है अमोनिया को बोला जाता है ठीक है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी यहाँ पे तीन ठीक है थ्री जो मेंशन है दिस विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है तो अगर मैं इसको आयन की फॉर्म में लिखूँ तो मैं यहाँ पे आसानी से प्लस थ्री लिख देता हूँ ठीक है नेट चार्ज यहाँ पे प्लस थ्री आता लेकिन यहाँ पे क्या है क्लोराइड है तो दैट विल बी तीन क्लोराइड लगेंगे यहाँ पे हमारे पास इसको प्लस तीन को बैलेंस करने के लिए ठीक है तो अगर हम इसकी प्रेपरेशन की बात करें कि हम किस तरह से जो आपका कम्प्लेक्स है कॉर्डिनेशन कम्प्लेक्स इसको बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए हम यूजली क्या करते हैं कि हम कोबाल्ट क्लोराइड लेते हैं Uh, हमने क्या किया हमने कोबाल्ट क्लोराइड ले लिया और हम क्या करेंगे उसके सोल्यूशन में से ना एयर ब्लो करते हैं ठीक है एयर पास करेंगे हम उसकी सोल्यूशन में जहाँ पे हमारे पास अमोनियम क्लोराइड भी होगा अमोनिया भी होता है और हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल भी प्रेजेंट होता है एज अ कैटालिस्ट तो अगर मैं रिएक्शन लिखूँ लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि आपको एयर ब्लो करनी पड़ती है इस रिएक्शन के लिए तो हम कोबाल क्लोराइड लेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ अमोनीम क्लोराइड और साथ में हमारे पास यहाँ पे हम अमोनिया पास करते हैं ठीक है अमोनिया हम इस रिएक्शन में लेते हैं और इस रिएक्शन में आपका मेन चीज़ क्या है कि आपको एयर ब्लो करनी पड़ती है ठीक है ऑक्सीजन जो है आपको एयर जो है वो पास करवानी पड़ती है सोल्यूशन से ठीक है तो अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूँ तो यहाँ से हमारे पास जो बनता है दिस विल बी योर कॉम्प्लेक्स ये बन के आएगा अलोंग विद यहाँ से हमारा वाटर निकल जाता है ठीक है आप बैलेंस कर सकते हैं इस रिएक्शन रे, को आसानी से जो आपका सोल्यूशन होगा कुबाल क्लोराइड का हम यहाँ से इन सब को डालने के बाद जो भी आपके स्पीसीज़ होंगे एक्स्ट्रा उनको डालने वाले जैसे अमोनियम क्लोराइड अमोनिया सोल्यूशन और फिर हमने लास्ट में जाके एयर ब्लो करनी है मतलब एयर पास करनी है हमने सोल्यूशन में से और हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स होगा दैट इज़ हेक्सा माइन कोबाल थ्री क्लोराइड दैट विल बी प्रोड्यूस्ड ठीक है आ, ये जो ऑक्सीडेशन है इसको जुरी एयर के अलावा अगर आप चाहो तो इस ऑक्सीडेशन को हम इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन पर इसकी प्रेजेंस में भी हम कर सकते हैं ये वाली ऑक्सीडेशन जो है क्योंकि हमें करना क्या है कोबाल टू को ऑक्सीडाइज करना है इनटू टू दी कोबाल थ्री ठीक है तो या तो हम एयर के थ्रू करेंगे ऑक्सीजन या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन पर डालेंगे उसकी प्रेजेंस में भी हम कर सकते हैं तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर हम डिस्कशन करें तो आपके पास येलो कलर का सॉलिड होता है ये दिस कम्प्लेक्स इज़ येलो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है हमारे पास ये और स्टेबल भी होता है ठीक है इनर्ट कम्प्लेक्स है ठीक है ये इनर्ट कम्प्लेक्स है आपके पास और इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ही स्लो होती हैं दैट इज़ जो लीगेंट एक्सचेंज रिएक्शन है इसके अंदर वो बहुत ही स्लो है और ये डायमैग्नेटिक होता है अगर हम इसके स्पेक्टर की बात करें तो कोबाल्ट जो है यहाँ पे ठीक है कोबाल्ट प्लस थ्री जो आयन है हमारा ठीक है यहाँ पे छ अमोनिया लीगेंट इसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ठीक है कोबाल्ट थ्री जो है आपके पास अब डी सिक्स सिस्टम होता है दिस इज योर डी सिक्स सिस्टम ठीक है छ अमोनिया इसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे आपके पास तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कौर्ण बॉन्ड बन के आएगा तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूँ सो दिस विल बी अगेन ऑक्टाहाड्रल एनवायरनमेंट होगा मेरा लेकिन कंप्लेक्स कैसा होगा आपके पास ये ध्यान रखना है कम्प्लेक्स विल बी और इनर्स जो कम्प्लेक्स होगा आपका इनर्ट कम्प्लेक्स होगा एट इज लो स्पिन कम्प्लेक्स भी बोलते हैं हम इनको प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है ठीक है जो आपका कंप्लेक्स होगा दिस विल भी कोबाल थ्री आय जो है यहाँ पे डी सिक्स सिस्टम है ठीक है कोबाल्ट जो है आपके पास उसकी बैलेंस शेल में डी सेवन एस टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से प्लस थ्री तीन हमने निकाल दिए वी आर लेफ्ट विद डी सिक्स दैट इज़ नौ इलेक्ट्रॉन्स है जहाँ से हमने तीन निकाल के हमारे पास छः बचे ठीक है अमोनिया जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीग बिहेव करेगा पेयरिंग करवा देगा आपके पास सभी इलेक्ट्रॉन्स की तब हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी दिस विल बी डी टू एस पी थ्री हाइबिटाइजेशन होगी यहाँ से ठीक है कम्प्लेक्स जो होगा वो हमारे पास लो स्पिन कम्प्लेक्स होगा ऑल दो अमोनिया जो होता है वो मॉडरेट लीगेंट होता है हमारे पास हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है या वीक फील्ड लीगेंट होता है इनको हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे जब हमारा कोऑर्डिनेशन कमिस्ट्री स्टार्ट होगा चैप्टर उसके अंदर हम इन इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट क्या होते हैं वीक फील्ड लीगेंट क्या होते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट हैक्सा माइंड कोबाल थ्री क्लोराइड कि आपके पास इनर्ट कम्प्लेक्स है यहाँ से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है वो आसानी से नहीं हो सकती है कि हम ईजीली अमोनिया जो आपका लिकेंड है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं कंप्लेक्स uh, जो है हमारा डायमैग्नेटिक होगा यह आपने ध्यान में रखना है दिस इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज रिएजेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया स्टार्ट करते हैं टिल देन थैंक यू